ट्रेंडिंग ऑप्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा तकरीबन कि उससे क्या क्या होता है। अब हम यहाँ पर देखें, एक चीज़ आपके सामने नज़र आ रही होगी, फ़िल्टर। ठीक है, तो फिल्टर को जो है हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। फिल्टर का जो फंक्शन है उसमें से कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। मैं कोई पिक्चर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ सकें। ये देखें, ये एक पिक्चर मैंने ओपन कर ली, ठीक है। अब यहाँ से फिल्टर में जाकर इसके जो है हम कुछ जो है वो इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे। रेंडर में हम जाएंगे, ठीक है। रेंडर में जाने के बाद देखें, यहाँ पर एक चीज़ आपके पास आ रही है, लेंस फ्लेयर। क्या आ रहा है? लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर जब अप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से देखिए हमारी पिक्चर आएगी। इस पॉइंट को उठाकर हम कहीं पर भी रख सकते हैं, और यहाँ से जो ब्राइटनेस है उसकी भी हम सेटिंग कर सकते हैं कि कितना हमने इसको बढ़ाना है और कितना जो है वो हमने इसको रखना है। तो इसको हम रखते हैं 100%, बल्कि 110 पर रखते हैं, ठीक है। अब ये इसके लेंस की टाइप है, अगर आप इनको सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरह का लेंस आप रखना चाहते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल हम सिंपल ही रखते हैं और इसको जब ओके करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपका ये लेंस फ्लेयर काम करेगा, ठीक है जी। ये आपके बैकग्राउंड के लेयर में, क्योंकि हमने डायरेक्ट ही कर दिया है इस पर। ये तो था सिंपल एक लेंस फ्लेयर। उसके बाद यहाँ पर देखें, आप लाइटिंग इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं। ये जो है वो लाइटिंग इफ़ेक्ट्स आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से देखें इसको, यहाँ से डिफरेंट जो है वो आपके पास लाइटिंग के ऑप्शन आ रहे हैं, ब्लू ओमनी, तो इस तरीके से जो आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से आरजीबी लाइट्स लाना चाहते हैं तो ये देखें आरजीबी लाइट्स आ जाएंगी, और इसको आप जो है वो इस तरीके से सेट कर सकते हैं। फाइव लाइट अप, ये देखें ये नीचे से लाइट्स आ रही हैं। अब अगर आप इसको नीचे के बजाय जो है वो ऊपर से लाना चाहते हैं तो इसको आप ऊपर से ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आपने घुमाना होगा, यूं ऐसे ऊपर करना है। ये जो इसका पॉइंट है, इस तरीके से आपने इसको घुमाना है, और इसकी पोजीशन आप जहाँ भी सेट करना चाहें कर सकते हैं। जितना बढ़ाएंगे उतना लाइट आपकी बढ़ेगी, ये इस तरीके से। दोबारा हम ले लेते हैं ये लाइटिंग वाला ऑप्शन, रेंडर, और इसमें ये लाइटिंग इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देखते जाएं कि आपको कौन सी लाइट चाहिए, इस तरीके से भी लाइट्स आएंगी आपके पास। क्रॉसिंग डाउन, इस तरह की लाइट भी आप रख सकते हैं। फाइव लाइट डाउन अगर आप करेंगे, देखिए हमने फाइव लाइट अप किया था तो ऊपर आ रही थी, अब आप इनकी पोजीशन जो है वो उठाकर सेट कर सकते हैं। इन लाइट्स को इस तरीके से आप रख दें।
ठीक है जी, इस तरीके से आप लाइटिंग की जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन पिक्चर बिल्कुल ब्लैक है तो आप लोगों को थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा। हम इसको चेंज करके देखते हैं, सॉफ्ट ओमनी में देखें क्या आ रहा है। इस तरीके से आएगा आपके पास। अगर आप इसको बढ़ाना कम करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, लेंस फ्लेयर के साथ। और अगर कम करना चाहते हैं तो इसके बिल्कुल इस पर देखिए, जब ये येलो होगा तो ये समझिए इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी जो है वो लाइटिंग के इफ़ेक्ट्स हैं। अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं, ये लाइटिंग इफ़ेक्ट यहाँ से आप चेंज करके इनको आप देख सकते हैं कि कौन सी मैंने जो है वो किस तरह की लाइटिंग मैंने करनी है अपनी पिक्चर पे। थ्री डाउन हम रखते हैं, देखें थ्री डाउन में क्या आ रहा है। इस तरीके से ये तीन लाइट्स, पहले पांच आ रही थी, अब ये तीन लाइट्स आ रही हैं आपके सामने। एक चीज़ और इसी फिल्टर में आपके पास है, ठीक है, अगर आप ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लर के ऑप्शन भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर इन सबको मैं समझाने बैठ जाऊँगा तो ये तो रात हो जाएगी पूरी, ठीक है। आप सिर्फ ब्लर के फंक्शन को समझें, और ब्लर जितना आप करेंगे, बल्कि हम इसमें करके देखते हैं आपको मोशन ब्लर, ठीक है, ये मोशन ब्लर कहलाता है, ठीक है। और इसको जितना आप बढ़ाएंगे ये उतना ब्लर होता जाएगा। अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं तो देखें क्या होगा। एंगल मैं इसका सेट करता हूं, थोड़ा सा मैं इसका डिस्टेंस बढ़ा देता हूं। ठीक है जी, ये देखिए नीचे से ब्लर आ रहा है असल में, इस वजह से कुछ ख़ास आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इसी रेंडर में कुछ चीज़ें और हैं, क्लाउड्स आप ला सकते हैं, लेकिन ये क्लाउड पूरी पिक्चर पे आ जाएंगे तो उसका लिए ये हम कर सकते हैं कि आप एक एरिया सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि यार इसके जो बैकग्राउंड है उसमें मैं क्लाउड्स ले आऊँ, ठीक है, और फिल्टर में जाकर मैं रेंडर में चला जाऊँगा, क्लाउड्स में कर दूँगा तो यहाँ पर क्लाउड्स आ जाएंगे। अब इसके ऊपर भी मैं लेंस फ्लेयर जो है वो शो करा सकता हूँ, लेकिन अगर अलग अलग लेयर लूँगा तो अलग अलग आ जाएंगे। डिफरेंट क्लाउड्स में आप चले जाते हैं, यहाँ पर डिफरेंट क्लाउड्स आ जाएंगे। लेकिन ये कलर, क्योंकि यहाँ पर हमने जो कलर लिया हुआ है ब्लू है और येलो है, अगर मैं इसको कलर चेंज करूँ, क्योंकि बादलों का कलर जो होता है वो वाइट होता है, ठीक है, और आसमान को मैं आसमानी कर देता हूँ ताकि आसमानी कलर हो। अब अगर मैं फ़िल्टर में जाकर इसको क्लाउड करता हूँ तो देखें अब मेरे पास ये पिक्चर इस तरीके से आएगी, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ से इसके अंदर ला सकते हैं रेंडर के अंदर से। लेंस फ्लेयर आ गया आपके सामने, लाइटिंग इफ़ेक्ट्स आ गई। लाइटिंग इफ़ेक्ट के जितने भी फंक्शन हैं आप खुद उनको जाके थोड़ा सा देख लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर इस तरह का बैकग्राउंड लाना है तो ये देखें इस तरह का बैकग्राउंड आ जाएगा, फाइबर करके आप इसको इस तरह का बैकग्राउंड बना सकते हैं। और ये बनाने के बाद आप अगर अब लेंस फ्लेयर ले आएंगे इसके ऊपर, अब देखें ये कैसे आएगा। थोड़ा सा हम इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं और यहाँ से हम लाइट बढ़ा देते हैं इस तरीके से। ये असल में यह कि मैंने जो है सिंपल कर दिया इसको, अगर ये पूरे बैकग्राउंड पे आपकी आती तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से ये चेंजिंग आएगी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी ये जो पिक्चर की चीज़ें हैं, स्केच है, शार्पन है, ये थोड़ा सा लंबी चीज़ें हैं, ये आगे अगर आप फुल कोर्स करेंगे उसका फ़ोटोशॉप का तो उसमें आपके पास आएंगी। एक चीज़ थोड़ा सा और भी समझा देता हूँ आप लोगों को, मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ।
सीरियल चलिए इसी को ले लेते हैं। इसको मैं जूम करके बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, नेविगेटर से। और यहाँ इस फिल्टर में एक चीज़ आपके पास आ रही है, इसको हम कहते हैं लिक्विफाई, ठीक है। जब आप लिक्विफाई करते हैं तो आप इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे इसकी ये नाक है, मैं थोड़ा सा नाक इसकी बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। या इसका ये कान है, मैं इसका कान थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ। तो ये इस तरह की चीज़ें आप इस लिक्विफाई में कर सकते हैं, ठीक है। या ये जो बोटियाँ हैं इसकी, मैं बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, ये देखें। अब अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो आपके पास ये नज़र आएगा, देखें इस तरह की से आप इसकी नाक वगैरह को चेंज कर सकते हैं इस लिक्विफाई के फंक्शन से। देखें कान भी मैंने इसका चेंज कर दिया, ठीक है। अब मज़ीद इसमें अगर कुछ करना है तो आप दोबारा से इसके ऊपर अप्लाई करें, और इसमें कोई ऐसी चेंजिंग तो नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ इस तरीके से, ठीक है, या इसकी आँखें मैं इस तरह कर दूँ, ये देखें आँखें इस तरह कर दी मैंने इसकी, ओके कर दूँ। तो ये चीज़ें आप लिक्विफाई के फंक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी है आज के लिए, और उम्मीद है